भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए पीएमओ पर तंज कस दिया। बीजेपी में होकर भी सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के कई नेताओं के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर ट्विटर पर बीजेपी नेताओं के प्रति तंज भरा ट्वीट करते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका नाम लेते हुए घेरने की कोशिश की। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती ना करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की जन्म के समय बिछड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है। अब जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट का सवाल है, तो दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को न केवल देश बल्कि दुनिया के कई देशों में सुनाया गया। इसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कस दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।